नमस्कार, नीरू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कलरफुल ब्रेड पकौड़े के साथ, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर बनाएं और हमें बताना भूलिएगा नहीं कि आपको कैसा लगा। तो फिर चलें नीरू की रसोई में। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमने 4 स्लाइस ब्रेड लिया है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा प्याज हमने महीन काट लिया है और 3-4 उबले हुए आलू, 1 बड़ी कटोरी बेसन, 1 कटोरी हमने टोमेटो केचप लिया है और हरी चटनी बनाने के लिए धनिया, नींबू, मिर्चा, लहसुन, अदरक, अजवाइन, जीरा और हींग। अब हरी चटनी बना लेते हैं। ये मिक्सी जार में हमने धनिया डाला है, इसमें 3-4 हमने हरी मिर्चा, 3-4 लहसुन और अदरक डाल देंगे, छोटा चम्मच जीरा, छोटा चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी हींग। हींग डालने से चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है और नमक स्वाद अनुसार डालना है। और इस चटनी में नींबू की खटाई देंगे। ये देखिए, चटनी को इतनी ही गाढ़ी रखना है, पतली नहीं करना है और चटनी को थोड़ा तीखा भी बनाना है। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए आलू को कद्दूकस कर लेंगे, जो कि इस तरीके से देखिए आलू तैयार हो गया। अब इसमें प्याज डाल देंगे, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, धनिया पत्ती थोड़ी सी काट लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कहीं भी मिर्चा ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चटनी इसीलिए तीखी बनाई है कि वो सब कवर कर ले। अब घोल बनाने के लिए हमने 1 बड़ी कटोरी बेसन डाला है, इसको थोड़ा सा चला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको चलाते रहेंगे ताकि लम्स न पड़े, ये ध्यान करके धीरे धीरे चलाते रहिए। घोल को हमको बहुत पतला मोटा नहीं रखना है, मीडियम रखना है ताकि ब्रेड में अच्छे से कोटिंग हो सके। इस तरीके से देखिए बिल्कुल लम्स नहीं है इसमें। नमक थोड़ा डालेंगे, मगर ये भी ध्यान रखना है कि हम स्टफिंग में भी नमक डाल चुके हैं। इतना गाढ़ा ही रखना है घोल को। अब एक प्लेट में हमने 4 स्लाइस ब्रेड लिया है, जिसके कॉर्नर्स हमने काट लिए हैं। अब 1 स्लाइस में हम हरी चटनी लगाएंगे, दूसरे स्लाइस में टोमेटो केचप लगाएंगे, तीसरे स्लाइस में ये आलू की स्टफिंग लगाएंगे। ये टोमेटो केचप वाली स्लाइस, ये चटनी वाली, ये आलू वाली और ये इसको प्लेन रखेंगे। सबसे पहले हरी चटनी के ऊपर इसको आलू वाली स्टफिंग रखेंगे, फिर ये केचप वाली, अब ये प्लेन ब्रेड वाली। अब इसको हल्का सा प्रेस करने के बाद ये देखिए इस तरीके से कलर दिखने लगेगा। बेसन के घोल में इसको बहुत सावधानी से पलटेंगे इस तरीके से, क्योंकि ब्रेड बहुत ही डेलिकेट होती है, टूटे ना, इस बात का ध्यान रखेंगे तो हाथ से ही चारों तरफ। इस पैन में हमने 1/2 लीटर सरसों का तेल लिया है और इस ब्रेड को डाल देंगे। बेसन की चीज हमेशा सरसों के तेल में बनाना चाहिए, उससे बहुत ही स्वाद अच्छा हो जाता है। इस तरीके से झरने से ये हम तेल ऊपर डालते जाएंगे ताकि हमारा धीरे धीरे पूरी तरह से सिक जाए। इसको बहुत बनाते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि
बड़ा ब्रेड पकौड़ा होता है? पकौड़े को निकाल लेंगे, अब नाइफ से इसको कट कर लेंगे। देखिए कितना अट्रैक्टिव है, हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।